वेलकम बैक वंस अगेन टॉक विद शुभम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल 10वीं या 12वीं पास हैं और अभी तक आपके पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है कृषि विभाग के अंदर सरकारी नौकरी पाने का साल 2020 में, तो आप सभी के लिए कृषि विभाग की तरफ से साल 2020 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि विभाग की तरफ से आई हुई सीधी भर्ती 2020 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और आप लोग ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पे भारत के सभी राज्यों से आवेदन भी कर पाएंगे। आवेदन आपको 10 नवंबर 2020 से लेकर 24 नवंबर 2020 तक कर देना है। आगे हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का दिल से सपना है कृषि विभाग के अंदर सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक देखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही सीधी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट दी जाती है ताकि आप लोग फॉर्म भर के एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पा सकें। तो चलिए अब हम लोग नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन करके स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख पाएंगे किसान कल्याण डिपार्टमेंट रूल बुक यहां पे 2020 पीडीएफ पूरा का पूरा आ चुका है। यहां पे भी आप लोग देख पाएंगे किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, और इसी के साथ आपको पोस्ट यहां पे क्या मिलेगी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप लोग अप्लाई करके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका देखने को मिलेगी, जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको बताया गया कि आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक डेट है वो 10/11/2020, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप लोग 10 नवंबर से आवेदन कर पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 24/11/2020 यानी कि 24 नवंबर आखिरी डेट यहाँ पे मिलने वाली है। और आपके जो एग्जाम है परीक्षा का दिनांक दिन यहाँ पे 10 से लेकर 13 फरवरी 2021 के बीच में होने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है यहाँ पे बताया गया, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹500, और अगर आप लोग यहाँ पे जो है तो किसी भी कैटेगरी से हैं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और MP के हैं तो यहाँ पे ₹250। अगर आप लोग किसी दूसरे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ₹500 एप्लीकेशन फीस लगेगा किसी दूसरे स्टेट से। इसके बाद यहाँ पे जो आपका परीक्षा का दिनांक है, दिन है, तारीख है, वो पूरा का पूरा बताया गया है, 10 से लेकर 13 फरवरी। प्रथम जो आपका है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उसके बाद कृषि विस्तार अधिकारी, यहाँ पे दो तरह की पोस्टें हैं। और यहाँ पे आपका जो आंसर लिखने का समय, सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख सकते हैं, आधार कार्ड को लेकर बोला गया है और बहुत सारी चीज़ें, इसके बारे में एक बार और डाउनलोड करके डिटेल में देखेंगे। ये टोटल 39 पेजों का PDF आ चुका, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो PDF है आपके सामने है, इसको आगे एक बार और ओपन करेंगे और आप सभी को यहाँ पे जो वेतन है वो ₹36,200 से लेकर ₹1,14,800 सातवें वेतन में मिलने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आपको टोटल 800 से भी अधिक पोस्टें मिलेंगी। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, अगर आप लोग बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अन अकेडमी की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बैंक एग्जाम्स की तैयारी करें अन अकेडमी के साथ। पूरी अन अकेडमी के रीजनिंग के टॉप एजुकेटर्स अंकुश लांबा सर लाए हैं फ्री क्लासेस। इन क्लासेस में कवर होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बेटर करने में और एग्जाम में रीजनिंग क्रैक करने के लिए। मिस मत कीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप मौजूद हैं, ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। और एग्जाम की तैयारी पक्की करें अंकुश सर की फ्री क्लासेस के साथ। आप लोग यहां पे देख पाएंगे आपको स्पेशल क्लासेस का पूरा जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे की क्लासेस हैं, टाइमिंग आपको दे दी गई है और आप लोग यहां पे अंकुश लांबा सर के साथ पूरी की पूरी जो अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो दोस्तों, आपको मैंने अप्लाई का नोटिफिकेशन का सारी की सारी जानकारी दे दी है, साथ में यहाँ पे आपको बता दें कि कृषि विभाग की तरफ से भर्ती है 2020 की, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, शायद आपका नॉर्मल सा एक रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके बारे में आगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के देखेंगे। पोस्ट आपकी यहाँ पे कृषि अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी की होने वाली है। आखिरी डेट की बात करें
तो आप लोग 24 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मौका आ चुका है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। कृषि विभाग की तरफ से वैकेंसी है, तो आपको सबको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पे आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। साथ में अप्लाई करने का लिंक सबसे ऊपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग चेकआउट भी कर पाएंगे। दोस्तों आपको अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद जस्ट आपको एक पैराग्राफ नीचे आना होगा, #37 करके एक ऑप्शन मिलेगा। MPPEB रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए, अप्लाई ऑनलाइन AEO एंड ADO 863 यहां पे पोस्ट वैकेंसीज मिलने वाली हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो यहां पे आपको मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB मिलेगा, ये ऑल इंडिया की जॉब कंडक्ट कराते हैं। साथ में यहां पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट रूरल एग्रीकल्चरल, और यहां पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा ऑफिसर की और सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर की। नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 10 नवंबर 2020 से लेकर आप लोग 24 नवंबर 2020 तक अप्लाई करेंगे। अप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, और अप्लाई लिंक यहां पे क्लिक हियर पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लिक हियर पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक हियर की बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, तैसे ही आप लोग mponline.co.in की पेज पे आ जाएंगे, जो कि MPPEB रिक्रूटमेंट के लिए पब्लिक किया गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए आप लोग www.mponline.co.in या फिर केवल mponline.co.in टाइप कर सकते हैं गूगल पे हमेशा। इसी के साथ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे और भी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं MPPEB रिक्रूटमेंट 2020, और यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी वैकेंसी 863 यहाँ पे टोटल आपको मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे सैलरी के बारे में डिटेल में जानकारी है, और यहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, और यहाँ पे mponline.co.in से आपको अप्लाई करना होगा। मैंने पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता दी, देन इसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो 1/1/2020 से काउंट करी जाएगी, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो एज में रिलैक्सेशन OBC को 3 और SC/ST के लिए 5 साल का मिलने वाला है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो MPPEB के हिसाब से यहाँ पे अभी आपका केवल और केवल रिटन टेस्ट होना है। इसके अलावा टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग सारी की सारी जॉब्स के लिए चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये स्टार्टिंग में मंथली का आपको दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपका अप्लीकेशन फीस क्या लगेगा, तो जनरल OBC के लिए 520 और SC/ST कैटेगरी के लिए 270 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे MPPEB का फुल फॉर्म भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस समझाई गई है। साथ ही साथ नीचे आने पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का नोटिफिकेशन डाउनलोड और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक हियर की बटन पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने जो है तो अप्लाई ऑनलाइन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड प्राप्ति, और यहाँ पे आपको जो है तो पंजीयन करने के लिए भी बोला गया है। साथ में यहाँ पे नीचे आने पर कृषि विकास कल्याण और तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पे पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की डेट PDF यहाँ पे फाइल उपलब्ध कराई गई है, और यहाँ पे उम्मीदवार की प्रोफाइलिंग और विकलांग पंजीकरण का यहाँ पे लिंक है। साथ में यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक है भुगतान न किए गए आवेदक का भुगतान करने के लिए, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे उम्मीदवार प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करना काफी इजी है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो आपके सामने एक पूरा का पूरा जो है तो प्रोफाइल पंजीकरण का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोगों ने पंजीकरण किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे, उसके बाद अपना जो पंजीकरण का ID पासवर्ड है उसको फिल करेंगे, देन उसके बाद आपकी सारी जानकारी आपके सामने होगी। और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि आप लोगों को नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना होगा, तो MPPEB के नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हेयर का जो ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे, इससे क्लिक करेंगे डाउनलोड की बटन आ जाएगी, और डाउनलोड की बटन पे क्लिक करते ही नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर सामने में ओपन हो जाएगा। काफी सारी जानकारी आपको अपने से चेकआउट करनी होगी, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा। साथ में अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अप्लाई करके दिखाऊं, उसके लिए इस वीडियो को 500 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करें। जल्दी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।